नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में मिस्टर रवि उपेंद्र शर्मा जी हैं, जो हमारे इस बिजनेस की शान है, आन है और क्या क्या, ये हमारे गुरु हैं। तो आज हमने इनसे सेमिनार में बहुत कुछ सीखा, तो इनसे थोड़ा हम एक्सपीरियंस जानेंगे, इन्होंने कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करी। तो सर नमस्कार, सर आप बताएंगे सर एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है। ये एक आम आदमी को उसी के इनकम, उसी के पैसे से उसको बेनिफिट कैसे दिया जाए। आज तक जो मार्केटिंग मार्केट में चली है, जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है, उस मार्केटिंग के अंदर एक आम आदमी को बेनिफिट नहीं मिल रहा था। कुछ चुने हुए लोग, एक 80% लोगों का पैसा जो है इकट्ठा करके अपने पास ले जाते थे। तो एक ये रेवोल्यूशन है, हम इसे रेवोल्यूशन कह सकते हैं व्यापार का। इस रेवोल्यूशन से एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर कैसे परिवर्तन आए, उसी की मेहनत का पैसा उसको कैसे मिले, ये एक नई कॉन्सेप्ट है जो मार्केट के अंदर आई है। और इस कॉन्सेप्ट से कई लोगों को बेनिफिट भी मिले, कई लोगों ने अपना करियर भी बनाया। मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो बेरोजगारी है, अगर बेरोजगारी को ख़त्म करना है, बेरोजगारी को इस दुनिया से हटाना है, इंडिया में अगर बेरोजगारी को निकालना है, तो उससे बेस्ट कॉन्सेप्ट मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। ठीक है सर, एक चीज़ और सर, जैसे हम मार्केट में जाते हैं सर, हम बहुत को ये सुनने को मिलता है ये पोंजी स्कीम है, मेंबर बनाने की स्कीम है, बंदे जोड़ने की स्कीम है, तो सर इसके बारे में आप क्या बोलना? देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सी भ्रांतियाँ। जी हाँ, अब मैं आपसे कहूँगा कि कैस्ट्रोल का डुप्लीकेट मार्केट में आया तो क्या लोग कैस्ट्रोल लाना बंद कर देंगे? है? नहीं सर, नहीं। मार्केट में देसी घी की कंपनियां पकड़ी जाती है कि नकली देसी घी बन रहा है, तो लोगों ने घी खाना बंद कर दिया। बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी अच्छी चीज़ आती है तो उसके साथ बुरी चीज़ डेवलप होती है। हमें यह पहचानना है कि हम किस ट्रैक पर हैं, हमारे को ये महसूस करना, हमें ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ बेहतर है, अच्छी कंपनी कौन सी है, बुरी कंपनी कौन सी है, इसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। डुप्लीकेसी गलत हर चीज़ों का होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को प्यार करने वाले हैं तो गालियां देने वाले भी हैं। तो तरह तरह के लोग अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि बेस्ट कंपनी कौन सी है। RCM बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसने एक आम आदमी की नीड को पहचाना। दूसरी कंपनियों से मैं इसका कंपेयर अगर मैं अपने लेवल पर करता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट को आप 4 गुना बेच के उसके बाद 2 गुना पैसा बांट रहे हो तो कुछ बड़ा नहीं कर। आप RCM की रेट के ऊपर उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाइए, उसके बाद 45% बांट के बताइए, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे 9 रुपए की साबुन पे 45%, 14 रुपए के नमक पे 45%। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे बिजनेस को बड़ा और महान बनाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद को पहचान करनी पड़ेगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि बेहतर कौन सा और अच्छा कौन सा। सर अंत में सर एक सवाल था सर, अंत में सर जो हमारे जो नेटवर्क मार्केटर हैं, जो बिल्कुल इस बिजनेस को उन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन नहीं किया, सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो उनका बिजनेस बढ़े? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर को देख के काम करना चाहते हैं, मैं मेरा ही एग्जांपल सबको देता हूँ और सारा पूरा हिंदुस्तान भी देता है कि मेरे फादर ने इस बिजनेस को एक सोच के साथ चालू किया था कि उनके बेटे को भविष्य में बहुत कुछ मिले। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को मात्र बिजनेस ना समझें, ये बिजनेस आपके फ्यूचर, आपके बच्चे के फ्यूचर को बनाएगा, आपके करियर को स्टेबल करेगा। और मैं समझता हूँ कि कुछ समय की मेहनत आपके आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बना देगी। तो ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा जहाँ पर 0 रुपया लगा के आप अपने परिवार को तो सिक्योर करते ही करते हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिक्योर करते हैं। तो यंगस्टर से मैं यही कहना चाहूँगा, नए लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने जिंदगी के 5 से 7 साल इस बिजनेस को दें, डेडिकेशन के साथ दें। लीडर्स ने आपके लिए रनवे तैयार कर दिया है, आपको सिर्फ उस पर हवैया जुड़ाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।